फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिम खरीदने के लिए। सिम मुझे नहीं मिल पाई थी कहीं पर भी। चलते चलते अभी बेल के एक स्टोर में मिले हमारे सुमांशु भाई। उन्होंने कहा था कहीं देखा है, अचानक दिमाग पे थोड़ा और ज़्यादा जोर डालने पर पता लगा उनको कि आपको तो यूट्यूब पर देखा, आपके वीडियोज़ में देखता हूँ। फिर हम लोगों ने हिंदी में बात करनी शुरू की। गड़बड़ ये थी थोड़ी सी कि मैं उनको वीडियो में नहीं ले सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि सॉरी मेरे लिए अलाउड नहीं है वीडियो में आना। बट उन्होंने काफ़ी हेल्प की। ब्रैम्पटन में रहते हैं, ब्रैम्पटन में रहने वाले लोग जितने भी हैं उनमें से 90% इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं। और आपके सजेशन के हिसाब से मैं परचेज करने जा रहा हूँ लकी, जो बेल का ही नेटवर्क शेयर करता है, शेयर नहीं करता है, बेल का ही कुछ बच्चा है शायद। ये है लकी मोबाइल का कियोस्क और यहाँ से मैं खरीद रहा हूँ। हालांकि एक बात बताऊँ, मेहनत बहुत की, भागते भागते बहुत सारी जगह पता किया, फाइनली मैंने चूज़ किया लकी मोबाइल को। ये बेल का नेटवर्क यूज़ करता है। जो प्लान मैं ले रहा हूँ वो बता देता हूँ आपको। मैं पे कर रहा हूँ फाइनली यहाँ पर $40 प्लस टैक्सेस, जो कि करीब बैठता है $45 के आसपास, जिसमें मुझे कनाडा में कहीं पर भी कॉल करने के लिए आज़ाद हूँ, मैं कितने भी कॉल कर सकता हूँ। उसके अलावा करीब 5GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। सो इज इट कंपैटिबल, यू चेक इट। ओके, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S7 है, ये कंपैटिबल है कनाडा के LTE से यानी 4G से, तो मैं इनका 4G यूज़ कर सकता हूँ। 5GB का डेटा मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा मिल रहा है इतने प्राइस में। मैंने चेक किया था कूडो, मैंने चेक किया था फ्रीडम, बहुत सारे और चेक किए, लकी मैं खरीद रहा हूँ फाइनली। आज है बड़ी ये नवंबर क्रिसमस, हालांकि वैसे तो बहुत दूर है, बट यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस कल ही है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ सीरियसली, अगर आपको लगता है ना कि ये अक्सर आप लोग बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, सारी जगह पर मैं घूमता हूँ, इतने सारे लोगों से मिलता हूँ वगैरह वगैरह, दुनिया भर में अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर आसान नहीं है भाई। ये हमें बुलाया है कनाडा टूरिज़्म ने, उनका कहना ये था कि विंटर में कैसा लगता है कनाडा ये दिखाइए, सो दैट लोग यहाँ पर सर्दियों में घूमने के लिए आ सकें। बेशक अच्छा है, मगर सही बता रहा हूँ ये आसान नहीं है। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इतनी ठंड में ऐसे घूमने की, मेरे से ज़्यादा आदत मेरे कैमरा और मेरे गिम्बल को नहीं है, बार बार डिस्चार्ज हो जाता है और फिर मुझे इसको टैकल करना पड़ता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है। बस यही बताना था फिलहाल। ये है क्रिसमस मार्केट, बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिव है, इसकी गर्मी है, इसकी पॉजिटिविटी है जो मेरे को थोड़ा बहुत अभी घूमने के लिए मन कर रहा है, अदरवाइज़ तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्नोफॉल हो रहा है। वहाँ से एंट्री करने के बाद ठीक ठाक चेकिंग होती है सारा सामान बाहर निकाल के, और उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं, टिकट्स खरीदते हैं। टिकट का रेट बता दूँ $38 है। मैं तो क्योंकि ऑर्गेनाइज ट्रिप में हूँ, हालांकि मैं कहीं और जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, डिनर के लिए, तो $38 आप पे करेंगे प्लस टैक्सेस, करीब $42 के आसपास हो जाता है। तो आपको दो डेक्स, एक है ऑब्जर्वेटरी डेक और एक और है जहाँ पर आगे दीवार है, जहाँ पर आगे ग्लास की दीवार है और आप देख सकते हैं। सो इन दो लेवल्स पे आप जा सकते हैं $38 पे करके, सुबह 9:30 से लेकर रात के 10:30 तक, 10:30 टिकट बिकना बंद हो जाती हैं, आप उसको खरीद के ऊपर जाएंगे और ऊपर आप कितनी भी देर रह सकते हैं तब तक जब तक कि रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं। रेस्टोरेंट्स आपको जब तक बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। थैंक यू कनाडा टूरिज़्म को जिन्होंने, इनफैक्ट टोरंटो टूरिज़्म को जिन्होंने हमारे लिए ये डिनर अरेंज किया। थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ ऊपर। थैंक यू। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ तक आप जा सकते हैं, टोरंटो की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, कनाडा की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, हाईएस्ट लेवल नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका मतलब US और कनाडा में। ओके यार, नो जमीन से करीब आधा किलोमीटर ऊपर इस वक्त, शायद इतनी ऊंचाई पर पहली बार आया हूँ। ये है CN टावर, नॉर्दर्न अमेरिका यानी USA और कनाडा में सबसे ऊंचा टावर, और दुनिया का एक ज़माने में ये सबसे ऊंचा टावर हुआ करता था। एक ऐसा टावर जो कि फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, यानी जिसका कोई सपोर्ट बाहर से नहीं मिला हुआ है, अपने आप ही खड़ा हुआ है। अब बेशक दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रक्चर है बुर्ज खलीफा, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर होता था, और इसको बनाया पता है किसने था? कैनेडियन रेलवे ने, कैनेडियन नेशनल रेलवेज ने, इस वजह से इसका नाम है CN, कैनेडियन नेशनल।
एक रेलवे डिपार्टमेंट रेलवेज एक टावर को बना रहा है, और वो भी एक ऐसा टावर 1976 में बना था। ये यहाँ पर कम्युनिकेशन टूरिज्म, यानी आप एज अ टूरिस्ट आप जो ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं वहाँ जा सकते हैं। और मैं जिस तरीके से फ़िलहाल इस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, 360 डिग्री ये घूम रहा है, आप खाना खा सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ टावर है ये, मुझे क्योंकि दिल्ली का ही एग्जांपल बार बार मिलता है। हमारे दिल्ली में पीतमपुरा में जो टीवी टावर है ना, वो सबसे ऊंचा नज़र आता है, दूर दूर से दिखता है। हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक अच्छी लोकेशन पर है। दिल्ली में जो पीतमपुरा वाला टीवी टावर है उसके नीचे दिल्ली हाट है, और वाकई वो लोग एक बड़ा सा उसका टूरिस्ट हब बना सकते हैं। अपने देश में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, और टूरिज़्म काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन बन सकता है। तो वाकई काफ़ी पोटेंशियल है हमारे पास में। खैर फिलहाल तो मैं घूम रहा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ खाना खाने का। मैं घूम रहा हूँ मतलब हम सारे घूम रहे हैं बैठे।